अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पनीरी फिरनी। ये बहुत टेस्टी है और बहुत आसानी से, बहुत झटपट ये तैयार होती है, वो भी फटे हुए दूध से। और सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी, अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो साइड में बेल बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो। चलिए देखते हैं, ये फिरनी बहुत ही टेस्टी है। जिस तरह दिखने में खूबसूरत लग रही है वैसे खाने में बहुत ही यमी है। चलिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत है। 1 लीटर ये फटा हुआ दूध है, 1 कप पके हुए चावल, 1 कप से थोड़ा कम कंडेंस मिल्क, 1/2 चम्मच फूड कलर, 1 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा रोज़ एसेंस चाहिए। ये मैंने चूल्हे पे दूध रख दी हूँ और इसे हम पका लेंगे। इसे तेज़ आंच पे हमें पकाना है। अब इस पे मैं इलायची पाउडर और येलो फूड कलर दोनों डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे और साथ में पकाते जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार हमारी फिरनी तैयार होती है और बहुत ही झटपट। यहाँ पे एक जार लेंगे और इसमें मैं ये पके हुए चावल डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना है। ये 1/2 कप के करीब मैंने पानी डाल दी हूँ। इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है, बस थोड़ा सा मिक्स हो जाए, दानेदार ही रहना चाहिए। देखिए दूध पक रहा है और ये पतला हो चुका है, पानी और इसका पनीर बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब इसमें मैं ये पिसे हुए चावल डालूँगी और इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ ना हो सके। इसी तरह हम कंप्लीट करते जाएंगे और मिक्स करते रहेंगे और इसे तेज़ आंच पर ही पकाना है और फटाफट से हमें मिक्स करते रहना है। बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं है वरना गुठलियाँ पड़ सकती हैं। और मिक्स करने से ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बारीक दानेदार हो जाते हैं, इसलिए इसे 10 मिनट तक हमें इसी तरह से मिक्स करना है। जब तक कि मिक्स करना है, जब तक कि ये गाढ़ा ना होने लगे। देखिए साइटों में बबल्स जो आ रहे हैं वो गाढ़ापन हो रहे हैं, वो उड़ना कम लगने लगते हैं, तो इस स्टेज पे हम समझेंगे कि अब हमारी फिरनी तकरीबन तैयार होने पे है। देखिए दानेदार सी हो गई है। अब इसमें मैं रोज़ एसेंस की डाल रही हूँ, थोड़ा ड्रॉप, आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो। फिर इसमें हम कंडेंस मिल्क मिलाएँगे और मिक्स करते जाएँगे। यहाँ पर मैंने चूल्हा मीडियम रखा है और इसे मिक्स करते रहेंगे। आप इसके बदले में शक्कर भी डाल सकते हो। शक्कर डालने के बाद हमें 5 मिनट और पकाना है ताकि जो शक्कर का पानी होता है वो खुश्क हो जाए और हमारी फिरनी गाढ़ी रहे। इस तरह हमें मिक्स करते रहना है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत दानेदार फिरनी हमारी तैयार होती है। बिल्कुल इसे छोड़ना नहीं है वरना गुठलियाँ पड़ सकती है। अब ये बिल्कुल रेडी है हमारी फिरनी, देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अब मैं यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूँगी। ये हमारी पनीरी फिरनी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम प्यालियों में डाल दें, कांच की प्यालियों में, मिट्टी के बर्तनों में जो छोटी छोटी प्यालियाँ होती है उसमें डालें, और ऊपर से बादाम के और पिस्ते के मैंने कुछ स्लाइस डाल दी हूँ और जाफरान के कुछ पीसेस डाल दी हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार है। इसे हमें रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा 15 मिनट के लिए सेट होने देना है और उसके बाद हमें 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में ठंडा करके यूज़ करना है। ये 1 घंटे के बाद मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी से गाढ़ी गाढ़ी सी हमारी ये फिरनी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार,
बहुत ही टेस्टी, आप लोग ज़रूर इसे बनाइए और इसका कमेंट मुझे दीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपनी फैमिली मेंबर के साथ और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।